मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। 8 मार्च औरतों के आर्मी दिन के मौके पर हम नीदरलैंड में एहतजाज करने को हैं। तो वो सारे भाई भाई जो ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान में हमारी बच्चियाँ गैर महफूज हैं, जो समझते हैं, प्लीज़ आप निकलें, मिलकर अपनी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए आवाज़ बने। और जितने लोग हम एक दूसरे से इख्तलाफात रखते हैं, अपने इख्तलाफात को भुलाकर यूनिटी के साथ इकट्ठे होकर, एक आवाज़ होकर अपनी आवाज़ को आगे पहुँचाएँ ताकि उनके लिए कुछ अच्छा हो सके। हमारा ये एक स्टेप जो है, मैं समझता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर एक कदम होगा। हमें अच्छे ऐसे इकदाम करने चाहिए। और जितने लोगों को जो अब इस सारी सिस्टम को, इस मार्च को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके साथ अगर इतराज़ात भी होंगे, वो भी अपने इतराज़ात को भुलाकर आगे कदम बढ़ाएं, मिलकर चलें। अगर कोई चाहता है कि जितने लोगों को वो, आगे चलने वाले लोगों को वो पसंद नहीं करता, कुछ चेहरे उनको पसंद नहीं है, तो अभी इन्हीं दिनों में वो भी अगर चाहें तो एक मीटिंग कॉल कर सकते हैं। आप आगे लगें, हम सब आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस मकसद को हमने आगे बढ़ाना है कि अपने लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। और जितने लोग हमारे नए आए हैं, नए बहन भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो जो भी उनको खुदा ने जिस तरह भी, अगर वो बोल सकते हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनके पास जो जो भी कुछ थोड़ा है, किसी भी तरीके से वो अपनी खिदमात को सर अंजाम दे सकते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए, वीडियो पैगाम के ज़रिए आप अपने लोगों को इनकर्ज कर सकते हैं। तो आप सब भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आने वाले दिनों में जितने नए लोग आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी इस टीम को लेकर आगे चलने वाले होंगे। तो प्लीज़ एक यूनिटी के साथ इस आवाज़ को बामकसद बनाने के लिए, हमें यूनिटी के लिए ज़रूरत है। तो आप सब मिलकर, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम सबको मिलकर चलना चाहिए। अपने ज़ाती अना को पीछे रख के, ज़ाती मफादात को पीछे रख के हम आगे चलें ताकि अपनी कौम के लिए कोई बेहतरी कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.